तो एक ट्वीट ते ट्वीट ते होया विवाद जी। विवादित ट्वीट बारे सुखपाल खैरा ने इस ते अपना स्पष्टीकरण दिता है। उन्होंने कहा कि किसी खास संत बारे उन्हें गलत नहीं कहा, सगो जिहड़े फर्जी संत ने उन्हां बारे कहा है। मदर टेरेसा को सल्यूट किया और लोगों को कॉशन किया है कि जो पखंडवाद वाले संत हैं, जो पखंड और सुपरस्टिशन फैलाते हैं, उनको उनसे गुरेज करना चाहिए। कहीं भी हमने किसी साधु ने किसी संत ने आकर के हमारे खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं की। उधर साधु संता ते सुखपाल खैरा वालों किए गए विवादित ट्वीट ते जैन मुनि तरुण सागर जी ने सवाल चुके ने। उन्होंने कहा कि सारे संत इको जे नहीं ने। उन्होंने कहा कि जिहड़े लोग खुद एक पार्टी तो दूजी पार्टी जांदे ने, अजिहे लोगों नूं संता बारे कोई जानकारी नहीं। ये मदर टेरेसा को सम्मानित किया, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारत के जो साधु संत है, सन्यासी है, श्रवण है, मुनि है, उनको कमतर आंकना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। तो व्यक्ति अपने बारे में सोचे ना कि वो क्या है, उसका कोई सिद्धांत नहीं है। आज वो यहाँ है, कल वो यहाँ आ जाता है। आज वो आदमी इस पार्टी में है, कल वही आदमी इस पार्टी में आ जाता है। उसका कोई सिद्धांत नहीं है, वो तो जिधर भीड़ देखता है, जिधर जन सैलाब देखता है, जिधर झुकाव देखता है, उधर टर्न हो जाता है उसका। उधर सुखपाल खैरा दे स्ट्रीट उत्ते सियासी प्रतिक्रम भी सामने आ रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल दे विधायक विरसा सिंह बलटोहा ने सुखपाल सिंह खैरा दे नाल साधु संता दे किए गए विवादित ट्वीट की निखेधी की है। नाल ही बीजेपी आगू तरुण चुग ने भी खैरा दे बयान नूं गलत लस्या है। तो पहला इन्हां सारयां दा ट्रेनिंग कैंप लगना चाहिए कि जबान किवें संभाल के वरतनी है। देखते नहीं, जो मर्जी मूंह चों तां बोल देंदे ने, जो मर्जी आउंदा ट्वीट कर देंदे ने। अज जिहड़ी सुखपाल सिंह खैरा ने हरकत की है, इहदी जिन्नी भी निंदा की जावे उन्नी थोड़ी है। जिन्नियां भी धार्मिक हस्तियां ने सत्कारयोग ने, मदर टेरेसा जी की जिहड़ी देन है समाज नूं और धार्मिक देन है, बहुत वड्डी देन है। और सुखपाल सिंह खैरा मेरा ख्याल फ्रस्ट्रेटड होए ने, कल ही फ्रस्ट्रेटड होए ने कि उन्होंने ये जापदा कि आम आदमी पार्टी फेक हो गई है, तो उन्होंने चार चफेरे फेक दिसन लग पिया। क्योंकि हिंदुस्तान की सांस्कृतिक समाजिक ढांचे के अंदर बहुत वड्डा योगदान संतां दा महात्मावां दा हैगा। हर परिवार भगवे कपड़े वालों का, सफेद कपड़े वालों का सम्मान करता है। और मैं समझना सुखपाल खैरा ने जिहड़ी ये टिप्पणी की है, ये निखेधी योग है। और मैं तो इत्थे भी कहना चाहवांगा, संत समाज साडा 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का सम्मान है और सारा हिंदुस्तान उन्होंने सम्मान की दृष्टि नाल देखता है। खेरा साहब नूं शीशे च अपनी शकल दिस रही है। उधर सुच्चा सिंह छोटेपुर अते कांग्रेसी आगू सुनील जाखड़ ने भी सुखपाल खैरा दे ट्वीट की निखेधी की है। खैरा जी ने क्या बोला है, हमारे समाज में भी, पंजाब में भी अच्छे संत भी हैं, हो सकता है किसी में कोई कमी भी हो, मगर सभी को एक भाषा बोलना उचित नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है, किसी के लिए ना ही। तो सभी नेता एक किस्म के होते और ना ही सभी संत एक किस्म के होते, परंतु मेरा मानना है कि भारत में ऐसे संतों की, ऐसे महापुरुषों की, ऋषियों की कमी नहीं है, जिन्होंने समाज की सेवा के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए और मानवता की भलाई के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਵੀਟ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਆਏ ਪਰ ਹੁਣ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਐਮ ਪੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਬੈਕਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਿਰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। उधर पंजाब च आम आदमी पार्टी की फुट लगातार वधदी जा रही है। हुण अमृतसर के इंचार्ज गुरिंदर बाजवा सने 86 अहुदेदारां ने पार्टी तो अस्तीफा दे दिता है।
गुरिंदर बाजवा ने मुड़ तो पार्टी की दिल्ली इकाई से संगीन इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि टिकटों की वंड लई जो कमेटियां बनाई गई सन उन्होंने सिफारिशों पर विचार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी नूं खड़ा करन दे लई सारे वॉलंटियर ने दिन रात एक किया है, पर पंजाबियों नूं अखों परोखे कर जिस तरह के फैसले लए जा रहे हैं उस नाल पार्टी वर्करां का मनोबल डिग गया है अते वो बड़े दुखी मन दे नाल सामूहिक तौर पर पार्टी तो वख हो रहे हैं। तो बगावत आम आदमी पार्टी तेज होंगी जा रही है। 86 वड्डे अहुदेदारां दे वल्लों सामूहिक तौर पर अस्तीफा आम आदमी पार्टी चों दिता गया। इस मौके गुरिंदर सिंह बाजवा ने कहा कि वह अते पार्टी के 86 अहुदेदार पार्टी चों अस्तीफा दे रहे हैं, नाल ही उन्होंने अपने अस्तीफा देने की वजह नूं भी स्पष्ट किया। अहुदेदार ने उन्होंने स्टेट लैवल के 5 ने, जोन इंचार्ज जिहड़े वख-वख विंगां दे ने वह 11 ने, 34 सैक्टर इंचार्ज ने, सैक्टर इंचार्ज वह जिन्हां कोल 3 विधानसभा हुंदियां ने, साडे इत्थे हलका इंचार्ज कोई नहीं, साडे पार्टी ने सैक्टर इंचार्ज ही रखे ने, ते सर्कल इंचार्ज जिहड़े 36, टोटल 86 जिहड़े ने ये अहुदेदार उन्होंने कल हर एक ने लिख के अस्तीफे दिते ने। चालका संजय सिंह अते दरगेश पाठक अते उन्हां दे 52 तनखाहदार अहलकार जिहड़े अबजरवर ने दी पंजाब नूं लुट्टन ते पंजाबियां नूं गुमराह करन दिया विरोध व्यापक रोस वजों दिता जा रहा है। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੋ ਫਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ 'ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। आम आदमी पार्टी च विवाद रुकण दा नां नहीं लै रहे ने। संदीप कुमार सैक्सीडी विवाद नूं लैके पार्टी मुश्किल दौर च है। पंजाब दे विच सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर नूं लैके पार्टी दो फाड़ हो चुकी है। इस विचाले केजरीवाल सरकार दे विधायक ने पंजाब विच टिकट वंड नूं लैके संजय सिंह अते दुर्गेश पाठक दे व्यवहार ते सवालिया निशान लगाए ने। उन्होंने केजरीवाल नूं चिट्ठी लिख के इल्जामां दी सच्चाई दा पता लगाउण दी मांग कीती कि पंजाब विच जो रिपोर्ट आई है जनानिया दे नाल जो है टिकटा के ऊपर जो सेक्सुअल ग्रैटिफिकेशन की रिपोर्टा कंप्लेंट्स ये सब तो शेमफुल डिसग्रेसफुल। कौन लोग हैं, कौन ऐसे काले कारनामे कर रहे हैं पार्टी की तो पंजाब में जो कैसे अगुवाई संजय सिंह दुर्गेश पाठक करें? उन्होंने नाम ही चिट्ठी लिखा है कि ये दो जो है इन्हों के खिलाफ जो कंप्लेंट्स वगैरह आई हैं उन्हें चेक करो, वेरीफाई करो। ਦਵਿੰਦਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਜਵਾਸਨ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਖਾਮਿਆਸਾ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਂਗੇ, ਚੈੱਕ ਕਰੇਂਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇਂਗੇ ਉਸ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਜੋ ਹੈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਕੁਛ ਲੈਸਨ ਲੈ ਕੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੇਂਗੇ ਤੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਜੋ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੋ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੈਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਭੁੱਲਰ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਇਆ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਰਾਵਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। दविंदर सरावत का सवाल है क्योंकि ये सवाल मेरे चरित्र से जुड़ा है, क्योंकि ये सवाल पंजाब की महिलाओं को, पंजाब के लोगों को शर्मसार कर रहा है, इसलिए उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा करूंगा, उनको कोर्ट में लाऊंगा और उनको कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने सच बताना होगा।
ये वफादर सिपाही मुख्यमंत्री नूं ते इन्हां दे प्रधान नूं आप पार्टी दे लैटर लिखदा ते जे उहदे सच्चाई आ तो साढ़े पंजाबियों लिए इतनी शर्म की गल कोई हो नहीं सकती। साढ़े लिए बहुत दुखदाई है पंजाबी लिए, पंजाबी नूं बड़ा डीपली सोचना पेगा कि वह पंजाबी विच अणख गैरत ना जाउण दा कि किसी ईन नहीं चलता। तो जे साडियां धीआं भैणां दी इह जी गल है फिर तां सानूं बहुत